हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं कर रही हूँ अभी किचन में काम। और क्या काम कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये मैंने भिगाए हैं ना भट्ट, काले भट्ट। इसको ये देखिए, ये होते हैं है ना, ये काले भट्ट भिगाए हैं। और अब इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। आज बनाऊँगी मैं भटोनी यहाँ पर बोलते बेटोनी, और हमारे वहाँ बोलते हैं डुबुक। आज छू डुबुक भात। कहीं पर भी मेरी बात कोई अच्छी लगती है तो आप उसको प्लीज लाइक जरूर कीजिए। देखिए ये मैंने निकाल लिया है भट्ट। तो मिक्सी में इसको पीस लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्सी। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से मिक्सी ऑन कैसे करूँ तो चलिए दिखाती हूँ। अभी और ले ली मैंने एक लहसुन की गांठ और प्याज की इसमें, और रख ली है कढ़ाई और मैंने तैयारी कर ली है अपनी। इसमें पानी है थोड़ा सा, मैं पोंछ दूंगी इसको, कढ़ाई को साफ कर लूंगी। और ये मैंने ले लिया है बेसन। दो ऑयल हो चुका है गरम, अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और प्याज। ये देखिए भून चुका है अच्छे से। और अब इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, और देगी मिर्च। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में डालेंगे इसमें नमक, क्योंकि नमक से ये थोड़ा सा फटने का डर सा रहता है। और अब इसमें हम ये मसाला हमारा भून चुका है, अब सीधे डाल देंगे इसमें जो हमने भट्टी से थे उनको भून लेंगे थोड़ा सा अच्छे से। देखिए अच्छे से भून रहा है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, मैंने बाउल धो के ना इसमें डाल दिया पानी। ये देखिए इसके अभी इसमें बॉईल आएगा, डुबकी में बॉईल आ गया है। और अब हम जो बेसन था उसको घोलेंगे पानी से और इसमें डाल देंगे। और फिर जितना हमें थिक चाहिए या ग्रेवी चाहिए पतली, तो उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल के रख देंगे। और इसको उबालना बहुत पड़ता है, तभी इसका स्वाद दुगना बढ़ता है इसका। जितना उबलेगा उतना स्वाद बढ़ेगा। अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें, और अभी हम इसको अच्छे से और पकने देंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। अभी हमारी ग्रेवी पतली सी हो रही है, बहुत ज्यादा पतली है, तो इसको भी हम और पकने देंगे ताकि जो का कच्चापन है ना वो सारा इसमें खत्म हो जाए, पक जाए मतलब ठीक है। हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। चलिए इसको कर देते हैं हम सिम, थोड़ी देर आपसे गप्पे मारते हैं। मेरी भटोनी डुबके बन चुके हैं, अब उनको हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी, बस तैयार है। जब बच्चे खाएंगे, आज दोपहर का लंच, थक चुकी हूँ अब मैं भी। अब अपने लिए टाइम मिला है थोड़ी देर, तो एक घंटा अपना यूज करती हूँ अपने लिए। मैं अपनी स्किन की केयर कैसे करती हूँ चलिए आपको बताती हूँ आज। और अपने बालों की केयर भी करती हूँ मैं हमेशा। मैंने ना इतने काफ़ी लंबे बाल थे, मैंने कटवा दिए क्योंकि काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था, इसलिए मैंने कटवा दिए हैं। और अभी तो बढ़ रहे हैं काफ़ी, इतने थे काफ़ी बढ़ गए इतने बढ़ गए समझ लीजिए
तो चलिए पहले मैं स्किन केयर बताती हूँ अपनी कैसे करती हूँ। आज करते हैं हम एक छोटा सा फेशियल, उसको बोलेंगे क्लीन अप भी बोल सकते हैं, उसको क्लीन अप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सामान इकट्ठा कर लेते हैं फिर करेंगे स्टार्ट। चलिए क्योंकि स्किन काफी दिनों से मैंने किया नहीं ना, इसलिए लग रहा है किचन में ही चलते हैं, किचन ही हमारा। मैंने लगा लिया ये हेयर बैंड ताकि बाल आगे ना आए, और चलिए कर लेते हैं अपना फेशियल क्लीन अप, ठीक है। और निकाल लेती हूँ मैं इनको, ये डेली करती हूँ मैं, डेली का रूटीन है, क्लीन अप तो जरूर करना ही चाहिए डेली, चाहे आप वो किसी चीज से भी कीजिए, चाहे दूध से कीजिए, दही से कीजिए, क्योंकि मैं अपने फेस में सॉप नहीं लगाती हूँ, साबुन नहीं लगाती हूँ, इसलिए। चलिए आज हम क्लीन अप करते हैं, किससे करें बताइए, दूध। मैं क्या करती हूँ ना, दूध ले लेती हूँ, कच्चा दूध बोतल में रख लेती हूँ और फ्रीजर में रख लेती हूँ उसको, जैसे क्रीम निकलती ना ऐसे निकल रहा है। और इससे हम ले लेते हैं एक थोड़ा सा कॉटन, और इससे करते हैं फेस को साफ। इसको बोलते हैं क्लीजिंग, क्लीन कर लेते हैं फेस को, और कच्चा दूध का स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, बिल्कुल डस्ट कर दिया, अब मैंने कुछ किया भी नहीं, किचन में ही काम किया था। ठीक है चलो एक बार साफ कॉटन से भी पोंछ लेती हूँ। आज का जो क्लीन अप कर रही ना मैं, उसको मैं दूध से ही करूंगी। चलिए अब लेते हैं एक बाउल, और उसमें लेते हैं एक मिल्क, निकालने में परेशानी होती है थोड़ा सा। चलिए थोड़ी देर निकलता है, इसको ठंडा होने लेते हैं, तब तक मैं ले लेती हूँ ये बताया था ना चावल का आटा, इसको मैं पीस के रख दिया था, और ये ले लिया मैंने चावल का आटा एक चम्मच समथिंग, क्योंकि डेली लगाते हैं। और इसको ना मैंने मोटा नहीं रखा है, इसको मैंने दो तीन बार छान लिया था। अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे हम इसकी, आधी चम्मच, क्योंकि दूध भी डालना है ना हमें इसमें, पूरी स्किन को टाइट करता है और फेस में ग्लो लाता है। थोड़ा सा तो निकला, जम गया है, आप भी सोच रहे होंगे क्या ही माने बताएगी। ये देखिए मैं बोतल में इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि मेरे काम की चीज होगी, ये देखिए अब आया है सेट करने के बाद, और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, मैं तो हाथ से मिक्स कर रही हूँ। फेस इससे आपका खिला खिला लगेगा, आप चाहे तो इसमें गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने मिलाया नहीं है क्योंकि मैं हल्की सी क्लीजिंग कर रही हूँ आज आपके सामने लाइव बैठ के कर रही हूँ। देखिए
कोई केमिकल का यूज नहीं कर रही हूँ। अपनी किचन के से ही सारा सामान लिया है मैंने। एक गुलाब जल लिया है, गुलाब जल मंगाया था, कान में भी लगा लिया, गले में मैं भी लगाऊंगी नहीं क्योंकि ठीक है। और इसको मैं 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, तब तक आप मुझसे बात कीजिए। वैसे बातें तो करनी नहीं चाहिए पैक लगाने के बाद हल्का सा, और 5 मिनट में मैं इसको रब कर लूंगी तो रखो। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका रिजल्ट। ये देखिए, देखिए नजदीक से दिखाऊं, लग रहे ना, इसको भी दिखाऊं, बताइए। तो चलिए मैं इससे कर लेती हूँ इसकी थोड़ा सा मसाज, ताकि और ग्लो आए फेस पे। आपको लगे ना सूख गया है, तो आप इसमें फिर से कच्चा दूध ये देखिए, क्योंकि दूध हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए भी। मैं काम भी अपने रख कर लेती हूँ। मैं ऐसे ही अपनी स्किन की केयर करती हूँ बीच बीच में, आपके साथ शेयर भी करती हूँ मैं वीडियो। और इसके बाद आप कहीं भी जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए रेडी है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। आप सीधे अपना काम कर लीजिए और फिर जल्दी जल्दी आप इसको लगा लीजिए फेस पे, और जब जाना हो तो उससे 10 मिनट पहले। मैं कर चुकी हूँ मसाज, और मैंने लिया है यहाँ पर मग में पानी, मग में ही लिया किसी और चीज में नहीं लिया, जो बोल रही हूँ वही कर रही हूँ। और ये कर रही हूँ मैं फेस को क्लीन, चाहे तो पानी से वॉश करने कर भी सकते हैं। लग रहा है ना फिर साफ साफ सा। मेरे पास कैप्सूल है विटामिन ई की, ये देखिए ये ऑयल निकाल लिया इसका। आप सोचेंगे अब ऑयल में क्या करेंगे, ऑयल तो डायरेक्ट लगाना नहीं चाहिए है ना, विटामिन ई का सुना भी होगा आपने। तो मैं इसमें हल्का सा मिलाऊंगी दूध, दो बूंद, ये देखिए बन गया क्रीम। अब इसको मैं फेस में लगा लूंगी अपने, इसको फेस आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं आप, आंखों के नीचे भी। और 1 मिनट की मसाज देंगे। चलिए अब दिखाते हैं स्किन, ये देखिए लग रही है ना ग्लास सी, ये देखिए तो आप भी कीजिए, डेली रूटीन में रखिए आप, तो डेली एक ही क्लीन अप मत कीजिए, अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने लेके आऊंगी, अपनी स्किन में करूंगी, आपको दिखाऊंगी, तभी आप यूज कीजिएगा। और पहले ना आप डायरेक्ट फेस में मत कीजिएगा, पहले अपने हैंड में कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई इचिंग होती है या रेडस हो जाते हैं ना, तो स्किन रेड हो जाती है या छोटे छोटे दाने से निकल जाते हैं, तो पहले आप हाथ में कीजिएगा, उसके बाद ही आप फेस पर लगाइएगा। तो बताइएगा कैसा हुआ आज का मेरा स्किन रूटीन अपना डेली का।
तो चलिए चलते हैं वहां किचन में, है ना। मैंने उसमें जो बना रही थी मैं डुबके बटके डुबके, हमारे वहां बोलते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इनको उसमें मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि नमक से ना वो फट जाता है, इसलिए आप भी बाद में डालिएगा। चलिए चलते हैं अपनी किचन में फिर से। शायद मेरी आवाज रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, मैंने ये लगाया नहीं था माइक। चलिए देखिए स्किन, देखिए लग रही है ना। ये बन चुके हैं डुबके और अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। तो ये हमारे तैयार है, लग रही है ना साफ। और अब मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ बिना बिंदी और उसके बिना बिंदी पे यहाँ लगा ली थी अपनी, ये देखिए मैं लगा ली बिंदी और हल्की सी लगा लेते हैं लिपस्टिक। देखिए हो गए ना, ऐसा लग रहा है पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई, पर मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर ही हूँ। और हमारा लंच होगा 1:30 बजे, 1:30-2 बजे, बताइएगा कैसा रहा मेरा आज का अभी का रूटीन। आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करती रहती हूँ। लग रही ना पार्टी में जाने के लिए, इसको थोड़ा सा और आगे कर। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 फ्रेंड्स, थैंक यू। ये जरूर चाहिए मुझे आपका।